नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। इस समय पहली प्राथमिकता आपकी सेहत का स्वस्थ होना है और दूसरी चीज, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सुपर टेट की जो आपका एग्जाम है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक, तो जो व्यक्ति एक शिक्षक के माध्यम से समाज को सुधारना चाहता है, किसी का सपना होगा कि काश अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं अपने उस ढंग से पढ़ा सकूं, उस ढंग से मैं समाज को सुधार सकूं, लोगों को ज्ञान दे सकूं, तो आप जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी सारी तैयारियां क्या कहते हैं कंप्लीट कर लीजिए और आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी ही होंगे। उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा बहुत ही बड़ी मुकाम हासिल की गई थी पिछली बार सुपर टेट में। हर वैकेंसी में हम मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन इसमें हमारी मेहनत बहुत ज्यादा, मेहनत सब में रहती है लेकिन इसमें हमारे रिजल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए एकदम जी जान से जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी करिए। और हमारे के यहाँ जैसे एडमिशन लेने के लिए आप देख रहे होंगे नीचे स्क्रॉल पे नंबर चल रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे उनके लिए हम एक नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, आपको आपका फोन उठाना है, केवल एंट्री सुपर टेट लिखकर 9125423936 पर मैसेज कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुपर टेट की क्लास या टेट की क्लास लगातार आपको दी जा रही है, तो उसी में मैं भी एक छोटी सी क्लास लेकर आपके लिए आया हूं सुपर टेट के लिए, जो कि हिस्ट्री पोर्शन है जो कि मैं पढ़ाता हूं। जनरली आप जानते हैं कि आपके हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कोई बृहद रूप का सिलेबस नहीं है, केवल भारत का स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है और बात के साथ साथ सामाजिक सुधार की बातें कही गई हैं, जिसमें सामाजिक सुधार में आपके जैसे हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, मुस्लिम सुधार आंदोलन हो गया, उसके साथ साथ गवर्नर जनरल और वायसराय से कुछ प्रश्न आते हैं और फिर 1857 से लेकर 1947 तक के पोर्शन से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि हो सकता है कई लोग ये सोचे कि हिस्ट्री की क्लास है, एक दो क्लास तीन क्लास है, एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या पता इसको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी। लेकिन नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन का रोल ज्यादा होता है उसकी तैयारी सभी करते हैं, और जिसका रोल कम होता है उसकी तैयारी सिर्फ 50-60% लोग करते हैं, और वही 50-60% लोग क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी मेरिट बनती है, आप पास होते हैं और आपको अच्छे क्या कहते हैं रैंक मिलती है। तो मैं ये चाहता हूं कि भले मेरे सब्जेक्ट से 2-3 सवाल जो भी आए, आप वो 3 सवाल हमारी वजह से सही कर ले और आपका सिलेक्शन हो जाए। जब कोई फोन करता है कि सर मैं SI बन गया हूं, सर मेरा यहां सिलेक्शन हो गया है, वहां सिलेक्शन हो गया, तो ये काफी अच्छा लगता है सुनने में। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए उन लोगों से, बस आप सफल हो, यही हमारा एक माध्यम, यही हमारी एक विनती है आपसे। तो चलिए, हिस्ट्री की जैसी हमने अभी आपसे बात किया कि इतिहास की जो शुरुआत है वो जनरली बहुत पहले सी बातें आती हैं कि इतिहास की शुरुआत क्या कहते हैं पाषाण काल वगैरह से हुई है, लेकिन सिलेबस में भले दिया हुआ है लेकिन आपको पता होगा कि सुपर टेट के एग्जाम में पूछ लिया था कि कुषाण वंश का महानतम शासक कौन सा है, जिसका आंसर कनिष्क था। तो प्राचीन भारत के भी सवाल क्या है कभी कभार वो डाल देते हैं, भले वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम अपनी क्लास में आपको पहले आपके सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो सारी चीजों को आपको प्राचीन मध्य लेकर हर चीजें आपको क्या करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे इतिहास के टॉपिक का वो होगा 1857 की क्रांति। एक क्रमबद्ध चलते रहते हैं ताकि क्रम से क्लास मिलती रहे। कई लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर क्रमबद्ध रूप में क्लास नहीं मिलती है, तो उनको क्रमबद्ध रूप में हम पढ़ाते हैं और हम आज शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति की। सबसे बड़ी चीज क्या है कि 1857 की जो क्रांति थी ये हुई क्यों थी, ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में उठता है कि भाई क्या दिक्कत थी। उसके पहले भी छोटे छोटे विद्रोह होते थे, जैसे जनजातीय विद्रोह हो गए, ठीक है किसान आंदोलन हो गए और छोटे मोटे सैनिक विद्रोह हो गए, लेकिन इस 1857 की क्रांति का जो ये 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह था, इसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी या इसे सैनिक विद्रोह भी कहा गया। ऐसी इसमें क्या खास बात थी कि जिसका इतना महत्व हमारे इतिहास के पन्नों पर दिखाई देता है। देखिए 1857 की जो क्रांति थी वो ऐसा नहीं था कि एक अचानक हुआ, क्योंकि देखिए दोस्तों आंदोलन और विद्रोह या क्रांति में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आंदोलन जो होता है वो अहिंसक होता है और जो क्रांति होती है या विद्रोह होता है वो हिंसक होता है।
आंदोलन जो होता है वो संपूर्ण देश की मांग को लेकर किया जाता है, लेकिन जो विद्रोह या क्रांति होती है ये अपनी मांगों को लेकर, अपने स्वार्थ की मांगों को लेकर लड़ा जाता है और ये छोटे पैमाने पर होता है। लेकिन इस समय चाहे हमारे देश में विद्रोह हो रहे होंगे, चाहे क्रांतियां हो रही होंगी, सबका टारगेट सिर्फ और सिर्फ किस पर था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की। तो 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि बनी वो ऐसा नहीं था कि अचानक से बना, बहुत पहले से बनता हुआ चला रहा था। देखिए, आप लोगों को जो गवर्नर जनरल और वायसराय भी पढ़ने, वो उतने बृहद रूप में नहीं पढ़ने से आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ, असहयोग आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ, या आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई। इसीलिए लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और वहीं पर आपको गवर्नर जनरल और वायसराय की क्या होंगी बातें आपको कंप्लीट मिलती जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। सारी चीजों को छोड़कर ध्यान से बस क्लास को सुनिएगा और ध्यान से क्लास को समझने का प्रयास करिएगा। 1857 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी वो वेलेस्ली के शासनकाल से बनने लगी थी। देखिए, चूंकि आप सुपरटेट की बैच में, उतना डीप जाना नहीं है, लेकिन चीजों को समझाना आपको बहुत आवश्यक है। तो वेलेस्ली के शासनकाल से कैसे बनने लगी? अगर हम ये कहें, कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है, प्रथम सैनिक विद्रोह, नहीं, ये गलत है, ये प्रथम सैनिक विद्रोह नहीं था। रीजन क्या है कि इसको हम सैनिक विद्रोह की संज्ञा क्यों देते हैं ये अभी तक नहीं समझ में आया। इसमें सैनिकों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी, मानते हैं इस बात को, लेकिन इसमें अवध के भी लोग थे, इसमें पेशवा भी थे, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें मौलवी लोग भी हिस्सेदारी किए, तो इसीलिए इसको एक सैनिक विद्रोह कहना संपूर्ण रूप से गलत होता है। पर कोई बात नहीं, चूंकि 1857 की क्रांति छावनी से चालू हुई, इसीलिए हो सकता है इतिहासकारों ने इसका जो श्रेय दिया वो किसको दे दिया? सैनिकों को दे दिया। तो 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, कि इसका जो क्या कहते हैं, एक बृहद रूप था या इसकी जो पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि वेलेस्ली के शासनकाल से बनने लगी। वेलेस्ली ने कहा था कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो उन्हें अपने सर के बाल और मूछें मुड़वाकर शामिल होना होगा। अब ये अगर देखा जाए आज के फैशन के दौर में तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो हम जानते हैं कि पिता के देहांत के पहले ना तो हम अपने सिर के बाल मुड़वा सकते हैं ना मूछें मुड़वा सकते हैं। जब अंग्रेजों ने ये नियम लाया तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म पर ठेस पहुंचाना चालू किया। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। याद रखिएगा, 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के। तो जो इसमें हमने आपको पहला कारण बताया, कारण की बात करते हैं अभी, हम लोग अभी कारण पर डिस्कस करते हैं कि 1857 की क्रांति के होने का कारण क्या था, चीजों को समझते जाइए, ठीक है। पहला कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की, या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और नोट्स बनाते रहिएगा, यह नियम लाया गया कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो उन्हें अपने सिर के बाल और मूछें मुड़वाकर शामिल होना था। यह पहला कारण हुआ।
दूसरा कारण हुआ कि विलेजली की सहायक संधि, विलेजली ने सहायक संधि लाया था जिसके तहत ये बड़े बड़े जो प्रांत थे या बड़े बड़े जो रजवाड़े थे उनसे एक संधि करता था जिसको इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं, संधि करता था कि हम आपकी सुरक्षा बाह्य आक्रमण से करेंगे, हम आपको अपनी अंग्रेजी सेना आपके यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखेंगे जो आपको सुरक्षित रख सके। लेकिन वो ब्रिटिश रेजिडेंस क्या कहते थे, अंदरूनी बातों को अंग्रेजों को बताते थे जिसके बाद अंग्रेज उनका फायदा उठाकर उस पर शासन करने लगते थे। तो भारत में जनरली सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है जो कि एक फ्रांसीसी था, लेकिन भारत में इसको बृहद रूप से संधि का इस्तेमाल करने वाला लॉर्ड वेलेजली था और उसकी सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम जिस राज्य का विलय हुआ वो राज्य कौन सा था, हैदराबाद। तो 1857 की क्रांति का जो दूसरा कारण बनता है वो था वेलेजली की सहायक संधि और इस संधि के तहत सर्वप्रथम जिस राज्य का विलय हुआ वो था हैदराबाद। अब देखिए ये दो कारण हुए। अब चूंकि इसको एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई है इसीलिए सैनिकों के कारणों को भी थोड़ा सा हमको टारगेट करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। हुआ क्या था कि 10 जुलाई 1806 को बिल्लोर का विद्रोह हुआ था जो कि सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह माना जाता है। उसमें रीजन क्या था कि जो भारतीय थे उनको पगड़ी पहनने से और तिलक लगाने से मना कर दिया गया। देखिए हम जिस देश के वासी हैं वो देश हमारी जान है और हम जानते हैं कि इस देश में धार्मिक मुद्दे जो होते हैं वो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। आप कुछ भी करिए लेकिन हमारे धर्म से छेड़छाड़ मत करिए। तो वहां पर अंग्रेजों ने कहा, जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों ने कहा कि आपको ना तो पगड़ी पहनना है ना ही आपको तिलक लगाना है। उसकी जगह पर उनको चमड़े की टोपी दी जाने लगी जिस पर चिड़िए का पंख लगा रहता था। तो उसमें जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने चमड़े की टोपी लगाने से मना कर दिया। जब उन पर दबाव डाला गया तो वहां के 69th मतलब 69वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो जो अगला कारण बना वो था 10 जुलाई 1806 का बिल्लोर का विद्रोह जो कि सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था। ठीक, चलिए इतनी बातों को लिखिए फट से, फिर अगला कारण बताते हैं। चलिए 1824 में क्या हुआ दोस्तों कि भारत का जो उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है, या बंगाल का गवर्नर जनरल कह सकते हैं क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम से कहा गया। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड एमरस्ट। लॉर्ड एमरस्ट के शासनकाल में बर्मा का युद्ध हुआ था, बर्मा म्यांमार में है, बर्मा का युद्ध हुआ। तो एमरस्ट ने भारतीय सैनिकों को बर्मा जाने के लिए बाध्य किया लेकिन भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया। इसके कई सारे कारण मिलते हैं कि अगर हम कहीं युद्ध करने किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी पेमेंट में बढ़ोतरी होती है, पर उनको ऐसा नहीं किया गया, उसी सैलरी में कहा गया कि आपको जाना है। उसके साथ साथ क्या था कि पहले ऐसा एक नियम था कि अगर हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। ये आज भी कहीं जहां रूढ़िवादिता ज्यादा है या ऐसा कह सकते हैं कि आज भी ये हमारी संस्कृति में, इसको रूढ़िवादिता नहीं कहेंगे इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये आज भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है कि अगर हम कभी विदेश जाते हैं तो बहुत जो हमारे बाबा लोग हैं जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो कहते हैं अरे ये दूसरे देश जा रहा अपनी संस्कृति भूल जाएगा। तो मतलब क्या, तो जब बर्मा के सैनिकों ने क्या हुआ बर्मा सॉरी जब बर्मा के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया तो यहां पर
उन पर दबाव डाला गया, नहीं जाना होगा तो जाना होगा। यही कारण है बैरकपुर के 47वीं छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसका लॉर्ड एमरस ने क्रूरता पूर्वक क्या किया, दमन कर दिया था। ये जो है ये दूसरा सैनिक विद्रोह था भारत का। तो 1824 में बैरकपुर के सैतालीसवीं छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसका एमरेस्ट ने दमन कर दिया। इसके साथ साथ क्या था कि इसके पहले एक और विद्रोह हुआ था 1824 के पहले, जो कि पाइका विद्रोह था। 1819 में जगह देश बंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ, जिसको हम पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं। वो भी इस 1857 के विद्रोह का कारण था, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने उस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो जो 1857 के विद्रोह का अगला कारण है वो है 1819 का पाइका विद्रोह। इन सभी कारणों के साथ साथ जब भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसकी नीति जो थी हमेशा भारतीयों के खिलाफ थी, हमेशा। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसने एक नीति लाई जिसको राज्य हड़प नीति या गोद हड़प नीति कहते हैं, या हम उसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत इसने ये कहा था कि कोई भी दत्तक पुत्र शासन नहीं कर सकता है। दत्तक पुत्र कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी गोद ली हुई संतान या किसी के राजा के द्वारा, किसी भी राजा के द्वारा गोद ली हुई संतान शासन नहीं कर सकती है, और उस राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया जाएगा। यही कारण है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तमाम लोगों ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई किसमें, 1857 के विद्रोह में। तो और इसके तहत सर्वप्रथम जिस राज्य का विलय हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, वो कौन सा राज्य था, सतारा था। ठीक, तो अगला जो 1857 के विद्रोह का कारण था वो था डलहौजी की राज्य हड़प या गोद हड़प नीति, और इसके तहत सर्वप्रथम जिस राज्य का विलय हुआ वो क्या था, सतारा था। अब यहां बात समझिए, अगली बात, चूंकि इसको हम सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, इसीलिए सैनिकों के पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है कि डलहौजी ने पोस्ट स्टैम्प शुल्क लाया, जिसके तहत कि सैनिकों को पत्र भेजने के लिए 2 पैसे का टिकट लगने लगा। इसकी वजह से भी सैनिकों को काफी गुस्सा आया कि हमारी पगार भी एक तो कम है, और ऊपर से आप ये तमाम प्रकार की जो चीजें लगा रहे हैं इससे हमारी बचत क्या होगी। तो अगला जो 1857 के विद्रोह का कारण था वो था डलहौजी की या डलहौजी के द्वारा डलहौजी के द्वारा पोस्ट स्टैंप शुल्क। इस सभी कारण से लोगों में आक्रोश भरा हुआ था धीरे धीरे, और उसी में आग में घी का काम किया ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाना। हुआ क्या कि दिसंबर 1856 को भारतीय सेना में
ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। इनफील्ड राइफल में क्या था कि कहा गया था, ऐसी अफवाह उड़ी थी, इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इस बात को हम नहीं जानते हैं, या आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हम इसे सच ही जानते थे, लेकिन करोड़पति में जब ये सवाल आया था तो वहां पर जब अमिताभ बच्चन समझा रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसी अफवाह उड़ी थी, पर ये अफवाह नहीं थी, ये हकीकत थी। तो जब दिसंबर 1856 में क्या हुआ कि ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाया गया, तो ऐसी अफवाह थी और इस बात की सच्चाई भी थी कि उस राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। रीजन क्या था कि इनफील्ड राइफल में क्या था, जो कारतूस होते थे उसको दांत से खींचकर बारूद उसमें भरकर बंदूक को पंप करके गोली मारनी थी। अब भाई ये तो एकदम बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हिंदू धर्म वाले लोग जो हैं वो गाय को पूजनीय मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और जो इस्लाम धर्म के हमारे भाई हैं वो सुअर से नफरत करते हैं। यही रीजन था कि इन सभी कारणों की वजह से लोगों में छोटे छोटे आक्रोश, छोटे छोटे गुस्से थे, और उस गुस्से को बढ़ाने का जो काम किया, जो एक तात्कालिक कारण था, वो था ब्राउन बेस की जगह कौन सा राइफल लाना, एनफील्ड राइफल लाना। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण दिसंबर 1856 को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाना हुआ, जिसकी कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारणों को लिखिए। चल, अब यह था कि भाई सभी अंग्रेजों से नाराज थे, चाहे वो रजवाड़े हों चाहे वो सैनिक वर्ग हों। तो इस विद्रोह को एक सुनियोजित ढंग से चलाना था बड़े पैमाने पर। कहा जाता है कि अगर 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से चलता, मतलब एक व्यवस्थित रूप से चलता, तो शायद ये अपना वो इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ देता जैसा कि ये छुटपुट तरीके से चला। छिटपुट तरीके से चलना इसकी मजबूरी थी, ठीक है, इसका कारण नहीं था। रीजन यह हुआ कि दिल्ली के लाल किले में 1857 के विद्रोह का प्रारूप बनाया गया, प्रारूप मतलब प्लान डिसाइड किया गया दिल्ली के लाल किले में, और वहां पर यह डिसाइड किया गया कि 1857 के विद्रोह का जो लीडर होगा, जो नेता होगा, वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। सर, खास बात तो यहां पर यह आती है कि इन्होंने लीडर चूज किया, लेकिन उस समय लीडर की उम्र लगभग 81 या 82 वर्ष थी। 81 या 82 वर्ष का इंसान नेतृत्व तो नहीं कर सकता था, इसीलिए क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया, और उसने बख्त खां को साहबे आलम बहादुर की उपाधि से नवाजा था। यहां से थोड़ा सा आते हैं हटकर, विद्रोह हुआ तो विद्रोह के लिए कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह बनना चाहिए, ठीक, जैसे हर संस्था का अपना एक लोगो होता है, हर युद्ध का, हर भाजपा मतलब सॉरी हर पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का एक लोगो होता है। तो उसी प्रकार 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया, जो लोगो बनाया गया, वो लोगो क्या था, रोटी और कमल था। तो उस मीटिंग में हम दिखाएंगे, अभी पहले बात समझ लीजिए। तो उस मीटिंग में ये चीज निर्धारित की गई कि जो 1857 का विद्रोह है वो सुनियोजित रूप से, मतलब संगठित रूप से 31 मई 1857 को चलाई जाएगी। सभी लोगों ने इस बात को मान लिया, ठीक भाई बढ़िया है, 31 मई 1857 को हम सुनियोजित रूप से इस विद्रोह को क्या करेंगे, चलाएंगे। लेकिन वही बात होती है ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हुआ क्या कि भारतीय आंतरिक कला की वजह से किसी ने अंग्रेजों को यह मुखबिरी कर दी कि एक बड़े पैमाने पर विद्रोह होने वाला है। कब होने वाला है, 31 मई को, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह की डेट डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी 31 मई 1857 को। सब लोग एक साथ इस विद्रोह को क्या करेंगे,
शुरुआत करेंगे। और कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि जो ये 31 मई 1857 की डेट निर्धारित की गई, ये ऑलरेडी अहमदुल्ला जो कि मौलवी थे जिन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व किया था, और नाना साहब ने बिठूर में ही ये डेट डिसाइड कर दी थी, नाना साहब और मौलवी साहब ने, कि 1857 का विद्रोह 31 मई 1857 को चलाया जाएगा। हुआ सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन मुखबिरी हो गई। अंग्रेजी सेना ने बाहर से अपनी सेनाओं को पहले बुलाना प्रारंभ कर दिया। अब इस बात की जानकारी हमारे सपूत वीर शहीद मंगल पांडे को हो गई। तो मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बॉग और फरोज की गोली मार दी, जिसके कारण 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब चूंकि मंगल पांडे का भी इसमें प्रमुख रोल था, वो सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करते इस विद्रोह में, लेकिन जो विद्रोह 31 मई को चालू होने वाला था, वो विद्रोह मंगल पांडे की गलती नहीं है, इसमें हमारे लोगों की गलती थी। और ये विद्रोह 31 मई को प्रारंभ ना होकर 29 मार्च 1857 को ही क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने क्या किया, 10 मई को दिल्ली पर कब्जा करके क्या हुआ, बहादुर शाह को अपना बादशाह घोषित करके 11 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। और वहां पर विद्रोहियों के दमन में जब निकलसन आया तो निकलसन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 21 सितंबर 1857 को इस विद्रोह का दमन किसने किया, हटसन ने किया। तो पूरी चीज को एक ड्रामेटिक वे में ना समझ के एक सीधे वे में समझते हैं कि 1857 की जो निर्धारित डेट थी वो थी 31 मई 1857। कुछ लोग कहते हैं लाल किले में डिसाइड हुई, कुछ लोग कहते हैं कि नाना साहब और मौलवी साहब ने बिठूर में डिसाइड कर दी। लेकिन ये विद्रोह कब प्रारंभ हो गया, 29 मार्च 1857 को ही प्रारंभ हो गया। लेकिन दिल्ली में इस विद्रोह की शुरुआत कब की गई, तो कब की गई, 11 मई 1857 को। तो चलिए इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। के विद्रोह का प्रारूप माने प्लान होता है, विद्रोह का प्रारूप दिल्ली के लाल किले में बनाया गया, ठीक। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था, ठीक। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया, जिनकी उम्र 82 वर्ष थी। बहादुर शाह ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया और इन्होंने बख्त खां को उपाधि दी थी साहब आलम बहादुर की, ठीक। पूछ सकता है कि साहब 1857 के विद्रोह के दौरान
साहब आलम बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसको? बख्त खां को। उसके साथ साथ 1857 के विद्रोह की तिथि तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। ठीक, इतनी बातों को लिखिए। चलिए, लेकिन हमने क्या कहा कि भारतीय आंतरिक कला की वजह से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉब और हरोज, कहीं पे सर्जेंट भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं बॉग के साथ सर्जेंट मिलता है, हरोज का नाम नहीं मिलता है, तो लेफ्टिनेंट बॉग और हरोज की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को एनसीईआरटी में 29 मार्च ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, एनसीईआरटी जो पढ़ते होंगे उसमें 29 मार्च ही लिखा हुआ पाया जाता है, लेकिन हमारा कमीशन जो आंसर मानता है, हमारा कमीशन आंसर कब मानता है? 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी दी गई। मंगल पांडे की दो खास बात है, इन्होंने जंगे बहादुर नामक संगठन बनाया था। किसने? जंग ए बहादुर नामक संगठन किसने बनाया था? मंगल पांडे ने। और दूसरी खास बात है, इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। इसके बाद अब विद्रोह तो चालू हो गया, अब इसको तो स्टार्ट भी करना था, तो मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। दिल्ली पर कब्जा करके, ऐसे नहीं, दिल्ली पर कब्जा करके 11 मई को इस विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक, लिखिए। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि यह विद्रोह संगठित रूप से ना चलकर छिटपुट तरीके से हुआ, ठीक है। जैसे 11 मई को यहां पर बहादुर शाह जीनत महल बख्त खान ने दिल्ली में किया, फिर 4 जून को बेगम हजरत महल ने किया, फिर रानी लक्ष्मीबाई ने, इसी तरह अलग अलग डेटों पर क्या हुआ, ये विद्रोह हुए और अलग अलग जगह इसके क्या हुए, दमन करता हुए। वो तमाम चीजें एक चार्ट में है,
वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज यहाँ तक चीज़ों को लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेहनत हमेशा करते रहिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, मेहनत असफल नहीं होती। हम खुद से निराश नहीं हो सकते हैं, आप खुद से निराश मत होइए, ठीक है। हम जानते हैं ये सारी बातें कहना आप लोगों को, बहुत लोग लगता होगा सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना समझ के बोलते हैं, नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है आपका, जो मन है वो करिए, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। खैर, फिर हम मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे स्क्रॉल नंबर पे हमारी संस्था का नंबर चल रहा है, जो भी हमारे दोस्त इच्छुक होंगे वो कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।